का कहना है एक तरफा कार्रवाई करना करने का प्रशासन पर आरोप लगाया। हथियारे के पक्ष में विधायक सुरेंद्र सिंह, हत्याकांड में सीबीआई जांच की विधायक ने मांग करी। आपको बताते चले मृतक के परिवार के पास लाठी डंडे थे, ऐसा विधायक का कहना है। एक तरफा कार्रवाई का भी प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हत्यारे के पक्ष में विधायक सुरेंद्र सिंह, हत्याकांड में सीबीआई जांच की विधायक ने मांग करी है। मृतक के परिवार के पास लाठी डंडे थे, विधायक का ये कहना है। तो वहीं एक तरफा कार्रवाई को लेकर के पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं। हत्यारे के पक्ष में विधायक सुरेंद्र सिंह, बलिया से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हत्याकांड में सीबीआई जांच की विधायक ने मांग की है। मृतक के परिवार के पास लाठी डंडे थे, विधायक का ऐसा कहना है। तो वहीं एक तरफा कार्रवाई करने का प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हत्याकांड में सीबीआई जांच की विधायक ने मांग भी करी है। मृतक के परिवार के पास लाठी डंडे थे, ऐसा विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है। तो वहीं एक तरफा कार्रवाई करना प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई के बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं, बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूँकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। अम्बेडकर